तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूं वो आई नो कि आपको पता चल गया होगा। थंबनेल देखा, टाइटल देखा, आपको समझ में आ गया होगा। परेशान हो कोई बात नहीं है, इस वीडियो के अंदर में सब कुछ आपको प्रॉब्लम यानी सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूं। वैसे सबसे पहले आप समझ लो कि दो तरह से वीडियो डिलीट होती है, पहली जो YouTube डिलीट कर देता है और दूसरी जो आप बाय मिस्टेक डिलीट करते हो अपने YouTube के वीडियो सेक्शन में जाके। दोनों में डिफरेंट है लेकिन लाने के तरीका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पब्लिक को समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो आपको ध्यान से देखना है, स्किप मत करना, तभी जाके आप समझ पाओगे। मेरे इस चैनल के ऊपर में दो वीडियो है, अब मैं साइड होता हूं और यहां पे देखिए एक वीडियो, ये जो वीडियो है बाय मिस्टेक अगर आपसे गलती से डिलीट होता है तो उसे रिकवर कैसे करें, ये वो वीडियो है जो आपने डिलीट किया है बाय मिस्टेक यानी गलती से, और दूसरी ये वीडियो जो YouTube डिलीट करता है बाय मिस्टेक। दोनों वीडियो में डिफरेंट है, तरीका दोनों अलग अलग है, लेकिन समझने में थोड़ी सी मिस्टेक इसलिए है कि आप लोग जो वीडियो को देखते ही नहीं हो, वगा के स्किप करके करके देखते हो, जिससे फायदा नहीं होता है, फिर कमेंट में जाके लिख देते हो। भाई मैं आपको बता दूं, आज यहां पे ये स्क्रीनशॉट देखो, इनकी वीडियो रिकवर हो गया। कैसे? क्योंकि भाई ने पूरा वीडियो को वॉच किया, समझा। एक वीडियो को यार मैं एक सिंपल एक लॉजिकल बताता हूँ, जो एक फिजिकल जो है जो सचमुच, जब भी आप इस तरह के फॉर्म अप्लाई करें या किसी तरह के भी फॉर्म अप्लाई करें तो एक मोबाइल को प्ले करके यार रख दें यहाँ पे उस वीडियो को देखते हुए और दूसरे जगह पे सेम स्टेप बाय स्टेप वैसे करें, हो जाएगा। किसी को कमेंट करने की जरूरत नहीं है या बोलने की जरूरत नहीं है, भाई तूने जो बताया वो हो नहीं रहा है, वीडियो को ध्यान से देखना। अब कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो वीडियो है सिर्फ मैं यही वीडियो मतलब कि सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों वीडियो डिफरेंट है। एक बाय मिस्टेक YouTube डिलीट करता है और बाय मिस्टेक आप डिलीट करते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियो को लिंक है, एकदम मैंने लिख के दिया कि बाय मिस्टेक डिलीटेड YouTube एंड बाय मिस्टेक डिलीटेड यू। तो दोनों यानी कि बोथ आर द वीडियोस हाउ टू रिकवर एंड विद इन वन वीक्स। जो बाय मिस्टेक YouTube डिलीट करता है वो वीडियो तो एक दिन में आ जाता है, लेकिन बाय मिस्टेक जो आप डिलीट करते हो वो वीडियो को आने में मैक्सिमम जो है वो 30 डेज और मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपको सही तरीके से वीडियो को मतलब कि फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। अब फॉर्म में आपको क्या लिखना है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, पहले के में पहले वाली में क्या लिखना है और दूसरे वाली में क्या लिखना है, जो भी कुछ है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लेना, वहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। अब उतना अगर आप करते हो फिर भी अगर आपकी वीडियो नहीं आती है तो एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर आपके वीडियो बाय मिस्टेक YouTube डिलीट करता है तो वो वीडियो जो है हो सकता है कि बाय मिस्टेक डिलीट हुआ है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया फिर भी अगर वो नहीं आता है, इतना ध्यान में रखना कि YouTube जो वीडियो डिलीट करता है वो विद इन वन वीक नहीं, विद इन वन एक दिन के अंदर में वीडियो आता है। अगर वो एक दिन के अंदर में वीडियो नहीं आ रहा है तो समझना भाई कि वो वीडियो में कुछ ना कुछ इश्यू है, प्रॉब्लम है, जो वीडियो डिलीट किया है YouTube ने। अगर आप सोचते हो कि मेरी वीडियो डिलीट हो गया, मैं फॉर्म अप्लाई कर दूं, आ जाए, तो नहीं भी आएगा भाई, क्योंकि आपके अगर कम्युनिटी गाइडलाइन का अगर वायलेशन अगर आप करते हो, मतलब किसी तरह से आप कानून के उल्लंघन करते हो YouTube की पॉलिसी को, तो वीडियो तो नहीं आएगा। लेकिन बाय मिस्टेक डिलीट हुआ है तो YouTube तुरंत ही तुरंत मतलब आपके वीडियो को वापस कर देगा, और जो आपने बाय मिस्टेक डिलीट किया है, जब भैया आप डिलीट कर देते हो तो YouTube उसको तो डिलीट में कर देता है, मतलब डिलीट हो जाता है, लेकिन जब आप रिकवर करते हो ना तो पूरी जांच पड़ताल होती है कि कैसे डिलीट हुआ, क्या है वीडियो के अंदर में, पूरी रिव्यू, मैनुअली रिव्यू यानी ह्यूमन रिव्यू के बाद वो वीडियो फिर रिकवर आपके चैनल पे आता है, और वो आते आते एक वीक भी लग जाएगा और 30 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए बैड कमेंट ना लिखें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पे ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट आपके भाई अपलोड करते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर समझने में फिर भी किसी तरह से मिस्टेक हुआ है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, किसी और तरह के प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में देखो। आज की वीडियो बस इतना ही, कल किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, मतलब एक बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।